नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा, मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। कहते हैं गौमाता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए गाय को माँ का दर्जा दिया गया है। गाय को हिंदू धर्म में सबसे पूज्य पशु माना जाता है। गाय का न सिर्फ दूध बल्कि मूत्र और गोबर भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, उपयोगी माना जाता है। कहते हैं जिस घर में गाय को पहली रोटी डाली जाती है वो घर हमेशा सुख और समृद्धि से संपन्न रहता है। उस घर के लोगों की सभी कामनाएं पूर्ण होती है और इसीलिए गाय को कामधेनु भी कहते हैं। भगवान कृष्ण तो खुद गाय चराया करते थे, उन्हें दुलारा करते थे, यानी गाय का महत्व हमेशा से ही हिंदू धर्म में सर्वोपरि रहा है। लेकिन वर्तमान समय में गाय और गौवंश घरों से निकलकर चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। गौवंश को लेकर चुनावी बयानबाजी और वाहवाही लूटने का दौर चलता नजर आ रहा है। जैसे ही चुनाव आते हैं गौ माता के लिए सियासी दलों का प्रेम अचानक से जाग उठता है। ऐसे में जब यूपी समेत 5 राज्यों में चुनावी रणभेरी बचने वाली है, गौ माता फिर से सियासत के केंद्र में आती हुई। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में अमूल डेयरी के प्लांट के उद्घाटन के बाद गौवंश को लेकर पिछली सरकारों को घेरा। पीएम ने गौवंश की स्थिति को लेकर समाजवादी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, एक जमाना था जब हमारे गांव घर में पशुओं के होने को ही संपन्नता की निशानी कही जाती थी, माना जाता था। हमारे यहाँ कुछ लोगों ने लेकिन ऐसे हालात पैदा कर दिए, यहाँ गाय की बात करना गोबर की बात करना जैसे कोई गुनाह हो गया हो। गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, लेकिन हमारे लिए गाय हमारी माता है, माँ है। यानी पीएम ने साफ तौर पर गौ माता को केंद्र में लेकर हिंदू वोटों पर अपनी दावेदारी को मजबूत करने की कोशिश की। वैसे ही गौ माता के बहाने अपने आप को गौवंश का सेवक बताने की कोशिश सिर्फ बीजेपी की तरफ से ही नहीं की जा रही, बल्कि इससे पहले बांदा जिले में कथित तौर पर गांवों को दफनाने के लिए, उन्हें दफन करने के लिए इस मामले को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा। ट्वीट करते हुए योगी सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा गया कि आपकी सरकार में सैकड़ों गायों को जिंदा दफन कर दिया गया, गौ माता क्रूरता का शिकार बन रही है। साथ ही कांग्रेस ने गौवंश की रक्षा के लिए बांदा में प्रबुद्ध सम्मेलन भी किया था। यानी साफ है सबको गाय के रूप में चुनावी भंवर पार कराने वाली माता मिल गई है। वैसे भारत में गौवंश की क्या स्थिति है ये किसी से छिपी नहीं है, बताने की आवश्यकता है नहीं। गौ माता जब कथक दुधारू होती है तो उसे बाड़े में रखा जाता है, लेकिन जैसे ही वो दूध देना बंद कर देती है उसे सड़क पर छोड़ दिया जाता है, जंगल में भेज दिया जाता है, उसको दाने दाने के लिए भटकने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। सरकारी गौशाला बनाकर उनके संरक्षण के तमाम दावे तो करती है, लेकिन आज भी शायद ही ऐसा कोई शहर या गांव होगा जहां आपको गौवंश दर दर भटकती हुई नजर ना आए। ऐसे में कैसे हम अपने दिल पर हाथ रखकर यह कह सकते हैं कि वाकई में हम गाय को अपनी मां मानते हैं, हमारी माता मानते हैं। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। जितना गंभीर ये मुद्दा है उतने ही कुछ गंभीर सवाल जिनके आज हम जवाब खोजने की करेंगे कोशिश। मसलन गाय हमारी माता या फिर बनकर रह गई इस महज चुनावी तमाशा। सबसे बड़ा सवाल, गौवंश की आय याद क्या बढ़ाएगी सीटों की तादाद? पीएम का गाय प्रेम क्या दिलाएगा सत्ता पर क्लेम? प्रियंका गांधी की गौवंश पॉलिटिक्स क्या करेगी कांग्रेस को फिक्स? क्या ये संभव हो पाएगा? चुनावी मौसम आया, गौ माता का मुद्दा छाया। आज इन्हीं तमाम सवालों का हम जवाब ढूंढेंगे। हमारे साथ इस समय एक खास पैनल जुड़ चुका है, पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण मोहन पांडे जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। हमारे साथ अंशु अवस्थी जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है अवस्थी साहब आपका। डॉक्टर विजय राठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है आपका भी। प्रमोद गोस्वामी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार है, आपका भी कौशिक साहब बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं बीजेपी से करना चाहूंगी। चुनाव आया क्या इसीलिए गौ प्रेम भी उमड़ आया? क्या गाय माता को चुनावी तमाशा बनाकर रख दिया क्या है और उसकी शुरुआत अब हो चुकी है, या वाकई में आपको गाय की स्थिति की चिंता है? पांडे जी आवाज मिल रही है मेरी? जी 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 देखिए गाय जो है
अन्य लोगों के लिए पशु हो सकती है, हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए गाय माँ है। गाय भारतीय मूल्य परंपरा आदर्श चरित्र और एक बड़े स्तर पर हिंदू अस्मिता की पहचान है। गाय इस देश की एक धन, गोधन का तो एक विषय होता था कि गोधन है, परंतु उस गोधन के साथ साथ हिंदू अस्मिता में जुड़ा है कि गाय के हर अंग में देवताओं का निवास होता है। तो इसलिए गाय चुनाव का कभी चुनाव का विषय नहीं हो सकती, गाय हमारी माता है। हिंदू अस्मिता की पहचान आवाज आएगी सर, गंगा और गांव ही इस देश की प्लीज पांडे जी अपनी बात पूरी करें जी। मैं यही कह रहा हूं कि गाय गंगा और गांव इस हिंदुस्तान की पहचान है और सदैव वो रहेगी। वो चुनाव चुनाव आते जाते रहेंगे, राजनीतिक पार्टियों की सरकार बनती बिगड़ती रहेगी, परंतु गाय हमारी माता है, गांव इस देश की पहचान है और गंगा इस देश की पहचान है, वो सदैव और गाय का। अगर वाकई में ऐसा है तो फिर प्रियंका गांधी को ये ट्वीट क्यों करना पड़ा कि योगी सरकार में सैकड़ों गायों को जिंदा दफन कर दिया गया, गौ माता क्रूरता का शिकार बनती जा रही है, क्यों आखिरकार ऐसे ट्वीट करने की नौबत आन पड़ी? ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। उसकी जांच हो रही है और ऐसा कोई भी दोषी पाया जाएगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। क्योंकि आपने देखा भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसकी सरकार बनने के बाद से पहली बार गाय के संरक्षण के लिए अलग से गौशालाएं बनाई गई, अलग से उनके गोवंश के संरक्षण के लिए अलग से बाड़े बनाए, उनके रहने की व्यवस्था की गई और गोवंश के भोजन पानी की व्यवस्था पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अलग से बजट बनाकर किया गया है। उनके संरक्षण के लिए जितने बेहतर कदम उठा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी करती है और यही सरकार थी, अन्य सरकारें थी और यही देश था जिन पे गो संरक्षण के नाम पर बिल मांगने पर, गो संरक्षण के नाम पर कार्रवाई करने पर गोलियां चला दी जाती थी। यही सरकार, यही देश है जहां पे संतों पर एक गोपाष्टमी के दिन गाय के संरक्षण के लिए संरक्षण बिल मांग रहे संतों पर गोपाष्टमी के दिन गोली चला दी जाती है। ये वही देश है और आज वही देश है, यही उत्तर प्रदेश है जहाँ पे गाय के संरक्षण के लिए उनके भोजन की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, उनके बेहतर सुचारू रूप से उनका जीवन बेहतर आगे, उनका वंश आगे। आपकी दावे अपनी जगह है लेकिन हकीकत जो तस्वीरें देखने को मिलती है वो उससे काफी अलग दिखाई देती है। डॉक्टर विजय राठी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। डॉक्टर विजय राठी, क्यों आखिरकार गौवंश का मुद्दा चुनाव से 2 महीने पहले उठा दिया गया, क्या मंशा नजर आ रही है सर? गोवंश का मेरे पास इतना मामला है इनकी सरकार का कि अगर 1 घंटा भी बोलूं तो वो कम है। मैं अभी पूछ रहे थे, बिल्कुल कोई इधर उधर की बात नहीं करूंगा, पूरा फैक्ट्स पे बात करूंगा जी। और मैं ये भी जानता हूं कि सामने से जब मुझे आवाज आएगी तो वो घुमाने की बात आएगी, कोई फैक्ट्स पे बात नहीं होगी। अभी मैं एक लीडिंग न्यूज़पेपर का बता रहा हूं, समाजवादी का डेटा नहीं है, ये लीडिंग न्यूज़पेपर का डेटा है। 8122 काउज डाइड राजस्थान हिंगोनिया गौशाला, और वो भारतीय जनता पार्टी के नेता की गौशाला थी। उसके बाद 1300 मरीज सिर्फ 4 महीने में ग्वालियर मध्य प्रदेश में, उस समय भी बीजेपी की सरकार थी। 152 गाय मरी 5 महीने में उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड में स्टारवेशन से, भूख से, और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। एक पॉइंट। दूसरा, इनकी जो गाय की बात है, देखिए मैं भी पूरी नजर रखे हुए था, अभी 2019 का चुनाव था, इनके पूर्वोत्तर राज्य के इनके एक बीजेपी के उपाध्यक्ष से लिंगदो, जब वहां अमित शाह जी मीटिंग के लिए गए और पत्रकारों ने पूछा कि क्या आप बीफ को बैन करेंगे, तो अमित शाह जी उठ करके चले गए, लिंगदो जी थे, उन्होंने बोला कि क्यों बैन करेंगे, हम तो बैन नहीं करेंगे। अभी गोवा के सीएम थे मनोहर पारिकर जी, अब नहीं रहे वो, उन्होंने ये कहा था कि अगर मेरे राज्य को बीफ की जरूरत पड़ी तो मैं भारत से भी ला करके दूंगा। ये सारे स्टेटमेंट जो है ऑन रिकॉर्ड है, पब्लिक डोमेन में है। केरला, गोवा, असम और मणिपुर में बीजेपी के मैनिफेस्टो में था प्रोमिस्ड बीफ, ये सामने है मेरे। इसके बाद जिस विधानसभा में मैं आज बैठा हूं, मेरठ की सरधना विधानसभा, इसके विधायक आदरणीय संगीत सिंह सोम, उनका अलीगढ़ में कमेले में पार्टनरशिप थी, वो मुद्दा बहुत उछला, उसके बाद वो डायरेक्टरशिप से उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। वो पिछले चुनाव में 2017 में बहुत उछला था, और मैं आपसे बता दूं ये लंबी लिस्ट है। अभी भारतीय जनता पार्टी को जो एक्सपोर्टर है ना, उन्होंने जो चंदा दिया है उसका एक बार सुन लीजिए बस, ये है फ्री गोरी फिको एलाना लिमिटेड,
और फ्रीजेरियो कनवरना अलाना लिमिटेड दो दो करोड़ का बीजेपी को चंदा दिया, उसके बदले में इन्हें क्या मिला? इनको देखे क्या मिला, प्रीमियम ट्रेडिंग हाउस जिसमें एक्सपोर्ट ड्यूटी से एग्जेम्पशन, और देवेंद्र फडणवीस सीएम थे महाराष्ट्र के, उन्होंने उनको ये सुविधा दी। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये समाजवादी आपके मुताबिक योगी सरकार के गाय के मुद्दे को लेकर खाने के दांत कुछ और दिखाने के दांत कुछ और। बिल्कुल कंप्लीट कर दिया, कंप्लीट कर दिया। एक लाइन जल्दी से, लास्ट टाइम में देखिए एक डेटा और रख देता हूं। ये है बीफ का एक्सपोर्ट, ये उत्तर प्रदेश का 58.7% है योगी जी के टेन्योर में, हिंदुस्तान में नंबर वन। और जानती है कहां जा रहा है? ये जा रहा पाकिस्तान में, ये मोस्ट फेवर्ड नेशन है पाकिस्तान इनका, भाजपाइयों का। और दूसरे नंबर पे ये उस समय का डेटा है जब देवेंद्र फडणवीस थे महाराष्ट्र, इसमें था 32.8। ये बीफ का एक्सपोर्ट है, ये समाजवादी का डेटा नहीं है, ये इंडियन गवर्नमेंट का, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का डेटा है, पब्लिक डोमेन में सर्च करोगे निकल जाएगा। ठीक है, इस पर मैं सीधा सीधा सा एक क्विक रिएक्शन पांडे जी आपसे चाहूंगी, जल्दी से सर, बहुत गंभीर आरोप आप पर कि आप कहते कुछ और है और करते कुछ और है। मैं अपने समाजवादी मित्र को ये बता देना चाहता हूँ कि जिस जगहों पर गाय के मांस को पूरे देश भर में बैन किया गया है, ये संसद द्वारा भी बार बार बात उठाई जाती है कि गाय के मांस और गो मांस का कहीं भी स्लॉटर करना वो अपराध है। दूसरी बात, इनके बीफ की बात पे आते हैं तो चौपाया मांस को, जो चौपाया है गाय को छोड़कर जो चौपाया जानवर है जो दूध नहीं देते हैं और जिनकी उपयोगिता नहीं है, उनको काटने, उनके स्लॉटरिंग के लिए संसद द्वारा पारित कानून है। हाँ। उसके तहत अन्य जगहों पर जो बात की थी, गाय के लिए सदैव से सम्मान रहा है और गाय पे कहीं भी स्लॉटरिंग की बात नहीं की गई है, ना गाय के एक्सपोर्ट की कहीं बात की गई है। गाय इस देश की अस्मिता है, इस देश की संस्कृति का हिस्सा है, और गाय का अपमान न भारतीय जनता पार्टी सहेगी और ना ये देश की जनता सहेगी, न उत्तर प्रदेश की जनता सहेगी। हाँ, अपमान कोई नहीं करेगा, लेकिन स्थिति भी बदलने के लिए कोई सामने नहीं आता है, धरातल पर उतर कर कोई काम करता हुआ नजर नहीं आता है। चलिए, अंशु अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने के लिए। अंशु जी, अगर मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही हो, सर गाय की किसी को चिंता है या सिर्फ हिंदू वोट बैंक की? अंशु अवस्थी, अंशु अवस्थी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस पर उनके भोजन की व्यवस्था करना शुरू कर दी, अब इनके स्लॉटिंग हाउस नहीं चल रहे, उन पे बुलडोजर चल रहा है, तो इनको समस्या हो रही है। देखिए जी, गाय, मैं अपनी बात पूरी करूं जी, बिल्कुल आवाज पहुंच रही है आपको, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपको मेरी आवाज आ रही? हेलो अंशु जी, थोड़ा डिले है, प्लीज कंप्लीट योरसेल्फ। गाय आस्था का विषय है, लेकिन भाजपा के लिए गाय एक राजनीतिक विषय है। ठीक है, ये किसी भी विषय को राजनीति में घसीटने से पीछे नहीं हटते, उसका मैं एक उदाहरण दे देता हूँ जी। हमने कभी कहते हैं, और उनकी ही सरकारें जो असम में है, त्रिपुरा में है, दूसरे राज्यों में है, भारत के 10 ऐसे राज्य हैं जहां पर 8 से ज्यादा कांग्रेस की सरकारें हैं जहां पर गाय का मांस खुलेआम बिकता है, भाजपा मैनिफेस्टो में रखती, जैसा पिछले साथी ने हमारे बताया। और देश के जो गृह राज्य मंत्री थे, अभी शायद वो खेल मंत्री हो गए, किरण रिजिजू, उन्होंने कहा था कि मैं गौमांस खाता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है, वो हमेशा लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने के लिए इस तरीके के प्रोपेगेंडा लाते हैं। आप देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी ने जिसको जिसको माँ कहा उसको ठगने का काम किया, गाय के नाम पर राजनीति की। 2010 से और 2017 के बीच में 63 से ज्यादा गाय के नाम, जिसमें 86% मुस्लिम थे, और उसमें भी वो सारी लिंचिंग में 97% लिंचिंग, यानी कि 2014 से 2017 के बीच में 61, जिसमें क्या किया गया कि राजनीति को लेकर सिर्फ गाय को ही लेकर जा रहा, उसको मारा गया। ऊना में जो दलित जो मरी गाय का मांस चबो निकाल रहे थे, खाल, उनको मारा गया। तो भाजपा उसका राजनीतिक प्रोपोगंडा करती है, जिसको जिसको माँ कहते हैं उसको ठगते हैं। गाय को माँ कहा, आप देखिए क्या हालत है उत्तर प्रदेश में, जिंदा गायों को दफना दिया एटा में। बरेली के मेयर ने नगर आयुक्त के खिलाफ सीधे मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूरे उत्तर प्रदेश में गायों की बुरी हालत है, मैं आपको बता दूं। और उसके बाद किसको मां कहा,
गंगा को माँ कहा। अब देखिए क्या हालत है। एनजीटी की रिपोर्ट कहती है कि सबसे ज्यादा प्रदूषण माँ गंगा में भाजपा के समय में हुआ है। यहां तक कि कोरोना काल में लाशें तैर रही थी गंगा माँ में, उसके बाद भारत माँ को माँ कहा। क्या करते हैं भारत माँ के लोगों के साथ? भारत माँ के बेटों को नोटबंदी में लाइन में लगा के लाखों लोगों की जान ले ली भाजपा सरकार ने। जीएसटी थोपकर छोटे छोटे व्यापारी जो भारत माँ के बेटे थे उनकी लाइन में लगाकर जान ले ली। कोरोना काल के समय लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, वो भी भारत माँ के बेटे थे। जो बेरोजगारी बढ़ाई, वो भी भारत माँ के बेटे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जिसको माँ कहती है उसको ठगती है। मैं इनसे अनुरोध करता हूँ कि अपनी गंदी राजनीति के लिए, अपनी ओछी राजनीति के लिए कम से कम माँ जैसे पवित्र शब्द का प्रयोग ना करें। ठीक है। दूसरा, गाय के नाम के अलावा भी राजनीति के बहुत सारे मुद्दे हैं। नौजवानों के रोजगार के विषय पर राजनीति करिए, जो आपने बेरोजगारी फैलाई उस पर करिए, कम से कम गाय पर नहीं। चलिए ठीक है, कृष्णमोहन पांडे जी कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से आपका जवाब, उसके बाद में डॉक्टर सुनील कौशिक आपका रुख करती हूं, और प्रमोद गोस्वामी भी हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। पांडे जी जल्दी से। देखिए बड़ा बड़ा हास्यास्पद होता है जब कांग्रेस जैसी पार्टी कहती है कि गाय पे कांग्रेस राजनीति कर रही है। अरे यही देश है। और करपात्री जी महाराज गोपाष्टमी के दिन जब जाके नाम पर गंदी राजनीति आप के बाहर कांग्रेस की बात बना दीजिए, थोड़ी तो आप कम से कम मर्यादा। प्लीज वन बाय वन, वन बाय वन, प्लीज सर वन बाय वन, प्लीज बोथ ऑफ यू, प्लीज सर सब एक साथ बोलेंगे तो किसी की आवाज समझ में नहीं आएगी, किसी के शब्द समझ में नहीं आएगी। गोली चलवाई, कमाल हो गया। और संतों को बीजेपी मैनिफेस्टो में रखा। चलिए आप फिर से वापस इसी गेम गेम पर उतर आइए। डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक, गाय हमारी माता है, लेकिन अब चुनाव से पहले गाय की जिस तरह से याद आई और गाय की जो एक्चुअल परिस्थितियां हैं, जो उनकी स्थितियां हैं, कहा जा रहा है कि कथनी और करनी में फर्क है सरकार, आपका विश्लेषण इस पर क्या कहता है? और चुनाव से पहले गाय की याद क्यों आ गई? तो शिल्पा ये पहली बार नहीं सुनने गाय हमारी माता है। ये लगता है कि हम बचपन से ही सुनते चले आ रहे हैं, और वेदों में भी या शास्त्रों की भी हम बात करेंगे तो ये देखा जाता है कि गाय हमारी माता है। लेकिन राजनीतिक दल किस तरीके से इस बारे में चर्चा करते हैं, किस तरीके से वोट बैंक को प्रभावित करने का काम करते हैं। बीजेपी 2014 से इस देश में है, क्यों नहीं केंद्रीय कानून लाया गया कि गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए? और मैं पिछले 2 साल की बात करूं, लगभग 3 प्रदेशों के हाई कोर्टों ने ये टिप्पणी की है कि निश्चित तौर से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। और 1 सितंबर 2021 का यदि इलाहाबाद के हाई कोर्ट की समीक्षा बीजेपी कर ले, आऊंगी सर आपके पास, यदि 1 सितंबर 2021 के हाई कोर्ट की समीक्षा बीजेपी कर ले तो समझ में आ जाएगा कि हाई कोर्ट ने कौन कौन सी टिप्पणियां की हैं। वैदिक पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व बताते हुए गौ माता के बारे में जो कहा, मुझे लगता है कि उस पर बीजेपी की आंखों में थोड़ी बहुत भी शर्म है या सरकार में, तो गौ माता पे एक श्वेत पत्र ले जाना चाहिए कि निश्चित तौर से कि गौ माता की समीक्षा देश और प्रदेश स्तर पर कैसी है इस समय, ये तो उस पर श्वेत पत्र जारी कर दे बीजेपी। और केवल आप ये कहते रहेंगे रैलियों में या सभाओं में कि गौ हमारी माता है, तमाम प्रवक्ताओं ने कह भी दिया कि किस तरीके से नेताओं ने खुल्लम खुल्ला कहा कि गौ मांस हम खाते हैं, कोई हमें रोक नहीं सकता, तमाम ऐसा चीज देखने को मिल रही है। और यदि हम समीक्षा भी करें तो तमाम, यदि हम जहां गाय काटी जाती है तो उन हम हाउसेज की बात करें तो तमाम बड़े हिंदू उद्योगपति इसमें सम्मिलित हैं। क्या निश्चित तौर से इस बात पे समीक्षा होनी चाहिए? कि जो समुदाय गाय को माता मानता है, यदि वो समुदाय ही गाय को काटने का काम कर रहा है तो उनका क्या कानून में कोई प्रावधान होना चाहिए? बिल्कुल। या व्यक्ति, जो व्यक्ति है, जैसे अभी हाई कोर्ट में ये कहा कि गौ मांस खाने का मौलिक अधिकार है, इस पर एक रिट दायर की, और जब रिट दायर पर जो टिप्पणी 1 सितंबर 2021 को आई है तो बड़ा, मतलब ऐसा नहीं है, मेरे हिसाब से 50 पेज की रिपोर्ट है जिस पे हाई कोर्ट ने बड़ा बारीकी से कहा गया है, तो वहां कुछ कहने को बचता ही नहीं है। केरला के हाई कोर्ट ने अभी क्या कहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी सितंबर में ही टिप्पणी दी है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि अब कुछ बचता है। वास्तव में बीजेपी संजीदा है इस मामले को लेकर के, गाय हमारी माता है निश्चित तौर से। तो मुझे लगता है कि अब ऐसा भी नहीं है कि साहब पूर्ण बहुमत नहीं है, 2014 में लगता था कि साहब संसद में बहुमत है, राज्यसभा में बहुमत नहीं है, अब दोनों जगह बहुमत है आपका, तो क्यों नहीं इसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर देती है बीजेपी? बीजेपी प्रवक्ता से, लेकिन उससे पहले हमारे साथ प्रमोद गोस्वामी जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। गोस्वामी जी, आपका विश्लेषण इस पर क्या कह रहा है? गाय जिसे मां तो माना जा रहा है, लेकिन अब
विडंबना की बात है, उस पर राजनीति भी हो रही है। और चुनाव से पहले गाय का प्रेम अचानक से यूं उमड़ कर आना राजनीतिक दलों की तरफ से, तमाम बयानबाजियां राजनीतिक दलों की तरफ से किस तरफ इशारा करता हुआ, क्या समझ में आ रहा है सर? शिल्पा जी, ये देश और प्रदेश का दुर्भाग्य है, विडंबना है कि अब पिछले लगभग जहां तक मेरा अनुभव है कि 2.5-3 दशकों से जो इशू बेस्ड पॉलिटिक्स है, मुद्दे आधारित जो जनता से सीधे जुड़े होते हैं, वो अब पॉलिटिक्स खत्म हो के सत्ता प्राप्त करने की आधारित राजनीति शुरू हो गई है पिछले लगभग 3 दशकों से। उसको अगर आप देख लें, जो मैं पिछले 30-40 वर्ष के मेरे पत्रकारिता जीवन जो अनुभव है उसमें आप देख लें, तो लगभग 3 दशकों से जातिवाद के नाम पर कोई इशू नहीं है, लेकिन जात पात के नाम पर सत्ता प्राप्त करने के लिए, तुष्टिकरण के नाम पर, धर्म के नाम पर, इस आधार पर अब अगर आप आ जाएं जो आपने कहा कि गौवंश के नाम पर, तो अभी ये बात ही गांव, गाय और गंगा, आप इन तीनों की स्थितियां देख लीजिए। इस लेकिन इस मतलब ये भी एक विडंबना है कि गांव की बात हो रही है, किसान आप देख लीजिए, गंगा की सफाई की ये पिछले गंगा की सफाई पिछले लगभग 2 दशकों से मैं देखता आ रहा हूं, उस पर करोड़ों रुपया खर्च हो गया, लेकिन गंगा जहां की तहां है। खाली एक कानपुर में जरूर कह सकते हैं कि कानपुर में, उत्तर प्रदेश में गंगा जरूर थोड़ी सी इस शासन काल में ठीक हुई, अदरवाइज अगर देखें तो गंगा जस की तस बनी हुई और करोड़ों रुपए वो भ्रष्टाचार के उसमें चले गए। अब गाय की आ जाइए, गाय को लेके अगर आप देखें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये बात ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो अपने इस गौ माता की बात को कह के उन्होंने जो अगर चुनावी दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसमें लगभग 8-10 करोड़ जो गौवंश या जो गौपालक हैं या जो जिनको मवेशी जो पालते हैं उन वोट बैंकों को एक प्रकार से साधने की कोशिश की है। लेकिन प्रमोद गोस्वामी जी, मुझे सीधे शब्द में इतना बताएं कि योगी सरकार ने पिछले 5 साल के दौरान गाय संरक्षण को लेकर कितना काम किया है नहीं किया है? बिल्कुल शिल्पा जी, अगर आप देखें तो गायों को लेकर देख लें, लखनऊ में एक भाजपा या उसको उन्होंने ले लिया था, यहाँ बड़ी भारी बहुत करीब 250-300 गायों के लिए यहाँ पर गौशाला बनाई गई, लेकिन वहाँ गाय चारे से मर रही थी, ये स्थिति है। आप उत्तर प्रदेश में ले लीजिए, गाय खेतों को चर रही है, किसान बुरी तरीके से, गांव परेशान है, सड़कों पर गाय बैठी हुई हैं, तो और उसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं और क्या नाम, लोगों की दुर्घटनाएं हो रही हैं, जाने जा रही हैं, वो अलग से। मध्य प्रदेश ठीक है, कुल मिलाकर गाय के मुद्दे पर हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति। राठी साहब, आप काफी देर से कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से सर बोलिए, उसके बाद मुझे ब्रेक पर जाना होगा। ठीक है, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अभी साथी ने बताया कि किसान परेशान है, लोग परेशान है, वो तो एक अलग चीज है, लेकिन एक चेहरा ये भी है जो फैक्ट्स पे है। आप ये देखिए, डायरेक्टर जनरल कहते हैं कमर्शियल इंटेलिजेंस का, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने 266,700 केजी का लक्ष्य रखा था, उसमें से 5,012 टन बीफ एक्सपोर्ट किया उन्होंने, और ये पाकिस्तान को है, और उत्तर प्रदेश नंबर वन है, और योगी जी मुख्यमंत्री है। आप ये चेहरा इनका देखिए इसके पीछे। और मैं नाम भी बता दूं आपको, जिस विधायक की मैं बात कर रहा हूं, ये अल्दुआ कंपनी है जिसमें बीफ के ट्रेडिंग पार्टनर थे, ये भारतीय जनता पार्टी के, ये पब्लिक डोमेन में ये चीजें, और चेहरा इनका देखिए ये क्या कहते हैं, मतलब उत्तर प्रदेश बिहार जो हिंदी भाषी राज्य है उनमें। चलिए ठीक है सर, आपके सारा कम अच्छा हो रही है कुछ गंभीर सवालों पर, मसलन गाय हमारी माता या फिर महज चुनावी तमाशा, गोवंश की आयात क्या बढ़ाएगी सीटों की तादाद, पीएम का गाय प्रेम क्या दिलाएगा सत्ता का क्लेम, प्रियंका की गोवंश पॉलिटिक्स क्या करेगी कांग्रेस को फिक्स, चुनावी मौसम आया, गौ माता का मुद्दा एक बार फिर से छाया, आज इन्हीं तमाम सवालों के हम जवाब खोज रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण मोहन पांडे लगातार जुड़े हुए हैं। पांडे जी, आप ही के पास होंगी, जो सवाल यहाँ पर डॉक्टर सुनील कौशिक ने भी उठाया कि अगर आपको वाकई में गाय की, उनके संरक्षण की इतनी चिंता है, तो फिर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को लेकर आप लोगों ने कितना काम किया और कितना सीरियसली काम किया जरा बता दीजिए, या सिर्फ कहने भर की बात होती है, वोट बैंक आ गया, मुद्दा खत्म, ठंडे बस्ते में डाल दिया, अब दोबारा चुनाव आया
फिर से मुद्दा बाहर निकल आया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जो 2014 से आई, इस 2014 की सरकार आने के बाद से यही से भारतीय जनता पार्टी ने गो संरक्षण के लिए लगभग अनेकों कदम उठाए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में जो ही हमारी सरकार आई तो गो वंश को जो इधर उधर न घूमे उनके लिए अलग से, पहले तो गोवंश का कहीं स्लॉटरिंग न हो इसके लिए सरकार ने सख्त नियम बनाए। दूसरी बात, वो गोवंश जिनकी स्लॉटरिंग नहीं हो रही तो उनको रहने के लिए अलग अलग जगहों पर व्यवस्था, हर ब्लॉक में व्यवस्था कराई गई, उनके भोजन के पानी की व्यवस्था कराई गई, उनके डॉक्टर की व्यवस्था कराई गई, यहाँ तक कि गायों के गाय के लिए अलग से एम्बुलेंस तक की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार में कराई गई। तो गो संरक्षण के नाम पर राजनीति नहीं करते हैं। हाँ, राजनीति वो लोग करते हैं जिनके पूर्व की सरकारों में स्लॉटरिंग हाउस चलते थे, और ये वो लोग हैं जिनके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्लॉटरिंग हाउसों पर जहाँ पे गोवंश का गोवंश को काटा जाता था, गोवंश की हत्या की जाती थी, उन पर बुलडोजर चलाए, उन लोगों को कष्ट है। मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से गोवंश के संरक्षण के लिए अनेकों काम किए हैं, उन लोगों को समस्या हो रही है जिनके ये धंधे बंद हो गए हैं, जिनके गोवंश के स्मगलिंग के धंधे बंद हो गए हैं। विजय राठी जी कह रहे हैं कि भाई हमने तो गायों के संरक्षण के लिए बहुत काम किया है, लेकिन उन लोगों को तकलीफ हो रही है जिनके धंधे बंद हुए। शिल्पा जी मैं बता दूं, इन्होंने बीजेपी रूल, ठीक है सुन लेते हैं सर एक बार, ठीक है सर सुन लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं सुनूंगा फिर आपकी बात आपको। शिल्पा जी मेरा टाइम भी दे देना इनको, अरे सुन तो लीजिए। अच्छा ठीक है, आएंगे, चलिए ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है, लेकर आएंगे, अभी भी आप 5 सालों की बात कह रहे हैं, लेकर आएंगे, चलिए ठीक है, जनता देख रही है। विजय राठी जी कंप्लीट योर सेल्फ सर, अरे सुनिए नेताजी, सुनिए नेताजी, अरे बीजेपी के नेताजी, अरे सर यहाँ राम मंदिर की बात कहाँ से आ गई है अब, चलिए ठीक है सर, एक बार विजय राठी जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, अन्य पैनलिस्ट इंतजार कर रहे हैं, प्लीज प्लीज सर, आपके आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहती। पांडे जी अब सरकार में है सर, सुनना भी सीखिए, बोलिए विजय राठी जी। हो गया पांडे जी, हो गया बहुत, अब सुन लीजिए, फैक्ट रख रहा हूँ आपको, इसका जवाब दे देना। 91.5% व्यापार बीफ का स्थित दो राज्य से बीजेपी शासित, यह उस समय का आंकड़ा है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ये वाली सरकार और वहां देवेंद्र फडणवीस, ये होता था पाकिस्तान में। इसका जवाब है आपके पास, इसका जवाब है आपके पास, पांडे जी जल्दी से, ठीक है ठीक है, आरोप लगाकर भागना नहीं है, ठीक है सर, आपने आरोप लगाया है तो उस पर जल्दी से उनका जवाब भी ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जल्दी पांडे जी, कृष्णमोहन पांडे कह रहे सबसे ज्यादा बीफ का कारोबार बीजेपी शासित दो राज्य कर रहे हैं, उस पर आप लोग क्या कहेंगे, क्या इतनी चिंता है आपको गाय की? हेलो पांडे जी, मेरी आवाज अब तक मिल रही है? शिल्पा जी बता दीजिएगा, प्रूफ भी है सामने। सर डॉक्टर विजय राठी जो आंकड़े रख रहे हैं, क्या जवाब होगा उनका आप पर? शिल्पा जी मैं डॉक्टर विजय राठी को पुनः एक बार बड़े विनम्रता पूर्वक बता देना चाहता हूं कि जो ये एक्सपोर्ट थे ये गोवंश के नहीं थे, चौपायर जानवरों के थे, जिनके मतलब कि जिनकी स्लॉटरिंग होती थी और उनकी जिनका दो दुधारू गाय जो दुधारू नहीं है, दुधारुओं के स्लॉटरिंग होकर और एक्सपोर्ट उन्हीं देशों में होगा जिसमें जिनकी इनकी मांग ज्यादा होगी, जिन देशों में मांग ज्यादा होगी वहीं पे एक्सपोर्ट भी होगा, पाकिस्तान हो या वो फिर चाइना हो, जिस देश में जिस चीज की ज्यादा मांग होगी वहां पे उसका एक्सपोर्ट किया जाएगा। परंतु गो संवर्धन के गाय के नाम पे ये लोग राजनीति जो कर रहे हैं, गाय कृष्ण जी क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो गाय दुधारू नहीं है उनको काट दिया जाता है? ये लोग गाय को लेकर चले आते हैं, जो गाय दूध नहीं देती उनको काटते हैं, क्या आपका बीजेपी शासित राज्य? ये जवाब दे दीजिए। गाय की बात नहीं हुई है, वो उन चार गाय को छोड़कर जिन चौपाइयों की बात हुई है उनकी चर्चा हो रही है। ठीक है, ये और क्या चल रही है, ये और क्या चल रही है, बीफ है मान्यवर में, बीफ की बात, समाजवादी सरकारों में ये काम होता था, समाजवादी सरकार, समाजवादी पार्टी कुछ कहना चाह रही थी, सबसे ज्यादा गायों के स्लॉटरिंग का काम जो करता था वो समाजवादी पार्टी का नेता करता था। बस फिर से वही चीज, फिर से आरोप प्रत्यारोप, आपने ये किया तो हमने ये किया, हमने ये किया तो आप लोग तो ये कर रहे थे, तो हमसे कैसे आप सवाल कर सकते हैं? अंश अवस्थी जी, गाय की चिंता किसी को नहीं है? देखिए
उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की थी, केंद्र सरकार से कहा था कि गौ को राष्ट्रीय पशु बनाया जाए, भारतीय जनता पार्टी उस पर कुछ नहीं बोलती। 2014 से पहले नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उस समय ये कहते थे कि ये बूचड़खाने बंद होने चाहिए और इसको गुलाबी क्रांति कहा जाएगा, आपको याद होगा। लेकिन भाजपा सरकार में आप देखिए कि जो कांग्रेस सरकार के समय भारत बीफ का निर्यातक पूरे विश्व में मात्र 2% भागीदारी रखता था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो बढ़कर टॉप 5 देशों में हो गया। विश्व के 5 प्रमुख देशों में भारत का नाम आ गया जो बीफ निर्यातक है। तो ये दिखाता है, ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है, जब ये विपक्ष में होते हैं तो दूसरी बातें करते हैं, जब सत्ता में होते हैं तो दूसरी बातें करते हैं। हम तो ये कहते हैं, प्रधानमंत्री जी गाय को माँ कहते हैं बनारस में पहुंचकर, उनके असम के राज्य में, अरुणाचल में, त्रिपुरा में गाय का मांस जो है वो बांटा जाएगा, ये उनके घोषणा पत्र में होता है। तो कम से कम वो तय तो कर लें कि करना क्या है। ये भाजपा की दोहरी नीति है और उत्तर प्रदेश का जनमानस के साथ साथ देश का जनमानस भी ये देख रहा है कि भाजपा गाय जैसे एक आस्था के विषय को भी राजनैतिक इस्तेमाल कर रही है, जो कि धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ है लोगों की। हम तो ये कहते हैं आपकी राज्य में सरकार है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा बीफ निर्यातक है, पूरे देश में सबसे ज्यादा बीफ निर्यात उत्तर प्रदेश में होता है, उत्तर प्रदेश से होता है, जहां सबसे बड़े संत के नाम पर तथाकथित श्री अजय सिंह बिष्ट जी बैठे हुए मुख्यमंत्री हैं। तो ये दर्शाता है कि भाजपा कहती कुछ है, करती कुछ है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा सब अलग अलग है, इनके खाने के दांत कुछ और हैं, दिखाने के कुछ और हैं, ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। अब देश के लोगों को भरोसा नहीं है, वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कहा था हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तो इनकी बात पर कोई कैसे भरोसा करे जिनके समय में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई। ठीक है, कुल मिलाकर प्रधानमंत्री जो कहते थे देश के प्रधानमंत्री तक पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। सबसे ज्यादा सार्वजनिक कंपनियां बिक रही भाजपा की सरकार। सबसे बड़ी विडंबना की बात और क्या हो सकती है, गायें जो की आस्था का विषय है, जो की श्रद्धा का विषय है, उस पर राजनीतिक बहस हो रही है। और देखिए मौका कौन दे रहा है, ये चल क्या रहा है सर, और किस तरफ हमारे देश को, हमारे समाज को ले जाता हुआ। देखो श्रद्धा का विषय है, सम्मान का विषय है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। लेकिन ये भी गलत है कि भाजपा की सरकार ने कुछ किया नहीं, इस बात से भी मैं सहमत नहीं हूँ। ये पहली प्रदेश की सरकार है जिसने 1500 रुपये प्रतिमाह गाय के चारे के लिए स्वीकृति की योजना, ये भी बिल्कुल सत्य, कोई भी नहीं लेके आई। 515 पशुओं के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था हुई जिसपे एक डॉक्टर और दो नर्स की तैनाती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। भाजपा सरकार में किसी भी नए स्लेटर हाउस की अनुमति नहीं दी गई, ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है कि नहीं, 5628 गौ केंद्र इस समय प्रदेश में स्थापित किए पिछले 5 साल में, ये भी बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। जी की वॉल्यूम डाउन किया जाए, उनकी पर्सनल कॉल की आवाज यहाँ तक पहुंच रही है, प्लीज। ठीक है कि नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, ये काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किए हैं, उनका स्वागत होना चाहिए, बिल्कुल, जो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। लेकिन क्या इतने भर से काम चल पाएगा क्या? अभी प्रमोद गोस्वामी जी ने जो कहा, मैं उनकी बिल्कुल बात से सहमत हूँ, यदि गांवों के दौरे कर लिए जाएं तो तमाम फसलें चौपट हो रही हैं गायों का, इन पशुओं की वजह से। इसमें सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की। तमाम शहरों में जहां देखा जाए कि रोडों पर गाय बैठी मिल जाती हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं की, ये भी बिल्कुल सही बात है। हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद या जिस तरीके से बीजेपी राजनीति गाय को लेकर के करती है, उसको लेकर के राष्ट्रीय पशु अब तक घोषित हो जाना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ। यदि ऐसा लग रहा है कि राजनीति नहीं कर रही है बीजेपी, तो बीजेपी को एक श्वेत पत्र लाना चाहिए गाय को लेकर के, ये भी नहीं है। लेकिन मैं फिर भी ये मानने तैयार नहीं कि गायों को लेकर के जब से बीजेपी की सरकार, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, मैं केंद्र की बात नहीं कर रहा, उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुछ नहीं किया, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन कम से कम पूर्ववर्ती सरकारों से तो कुछ तो किया है, बिल्कुल, ये बात मानी चाहिए, बिल्कुल 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 किया है। अब बताओ किस सरकार ने 1500 रुपये दिया, 50 रुपये डेली प्रति गाय को मिलते हैं चारे के लिए। सपा सरकार में तो वो भी नहीं मिलता था, मैं वही कह रहा हूं, राठी जी, और ये कम से कम अवस्थी साहब भी बैठे हैं, राठी साहब भी बैठे हैं, ये समथिंग करने की कोशिश हुई है। मैं बताता हूं अभी जो हमारे साथी बोल रहे थे वो 1500 रुपए, अभी ये कृष्ण जन्माष्टमी जिस दिन थी उसी दिन का उदाहरण मैं बता रहा हूँ। इस कार्यक्रम में हम लोग थे, हमारे पड़ोस में ही गौशाला है, ठीक है, एक रुपया
एक रुपया उस गौशाला में नहीं आया, एक रुपया। वहां के क्या काम करते हैं वहां के लड़के कि जो आस पड़ोस के गांव हैं, उनसे वो खुद से जो भी बचा हुआ खाना चारा होता वो इकट्ठा करते हैं ई रिक्शा से। और हम लोग क्योंकि नजदीक से उस चीज से जुड़े हुए हैं, मैं भी किसान का बेटा मैं जानता हूँ, एक पैसा गाय के यहाँ तक नहीं आ पा रहा है, सूखा भूसा भी नहीं मिल पा रहा है, वो सब भाजपा के नेता ऊपरी बंदर बांट कर लिया, वो सब आस पड़ोस के गांव के। आपके मुताबिक अगर कुछ करने की भी कोशिश की गई तो बीजेपी नेता उसे नीचे तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं, धरातल पर नहीं उतरने दे रहे हैं। चलिए ठीक है सर, अंशु अवस्थी जी को जाना है। अंशु अवस्थी जाते जाते आपका फाइनल कमेंट सर, क्या उम्मीद है आपको, गाय पर सिर्फ राजनीति ही होती रहेगी या वाकई में गाय के संरक्षण को लेकर कोई काम भी होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिसने एक भी वादा पूरा नहीं किया, उनके चाल चरित्र चेहरे पर बार बार सवाल उठता है। ऐसे लोग जब गाय की बात करते हैं तो क्या लगता है आप बड़े ईमानदार नियत से बात कर रहे हैं ये लोग? मैंने इसीलिए पहले से कहा कि बीजेपी जो किसी भी वादे पर पूरी नहीं उतरी, जितनी बातें इस देश के प्रधानमंत्री ने कही, भाजपा ने घोषणा पत्र में कही, चाहे वो केंद्र का हो या 2017 का हो, एक भी वादा जब पूरा नहीं किया, ऐसे लोगों से कभी भी उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ झांसा दे रहे हैं। झांसा राम को प्रदेश की जनता जान चुकी है, 2022 का चुनाव आने दीजिए। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है, ये उसी वनवास में वापस जाएंगे जहां पर 2017 से पहले 50 सीटों के नीचे थे। कोई भी इनका ये जुमला चलने वाला नहीं है। 2017 में जितनी बड़ी बड़ी बातें कहती प्रधानमंत्री जी, उस पर नहीं बताते, खुद माँ कहते हैं और दूसरे राज्यों में कटवाते हैं, तो ये इनका चरित्र है। हम फिर से कह रहे हैं, प्रदेश का जनमानस इनको समझ चुका है कि कितनी भी लच्छेदार बातें कर लें, कितनी भी झांसे दे दें, लोग अब इस बहकावे में आने वाले नहीं है। कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में गायों के लिए गोधन योजना चला रही, राजस्थान में हमने गोपालन मंत्रालय बनाया, लेकिन ऐसे में जनता आप पर कितना विश्वास करती है सर, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंशु अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना ही फाइनल कमेंट देने के लिए। ठीक है, प्रमोद गोस्वामी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। प्रमोद जी, झांसा देने की बात तो कही जा रही, लेकिन झांसा जनता को दरअसल दे कौन रहा है? प्रमोद गोस्वामी जी, हाँ आवाज आ रही है सर, प्लीज बोलिए। हाँ आ रही है, आपकी आवाज आ रही है जी सर। गाय के मुद्दे पर क्या वाकई में बीजेपी लोगों को झांसा देने का काम कर रही है जैसे कि आरोप लगाया जा रहा है? नहीं देखिए, ये बात तो सरासर बेमानी है कि वो खाली, हाँ ये बात सही है कि वो गाय के नाम पर वो राजनीति या सत्ता में पहुंचने का एक उपक्रम तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो खाली राजनीति कर रही है, गाय के या गाय के लेके या किसानों या गांव को लेके उसने काम भी किए हैं। लेकिन यहाँ दिक्कत सबसे बड़ी है, सारे राजनीतिक दलों की दिक्कत ये है कि आज वो बैठ के आलोचना जरूर कर रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें तो करपात्री जी वहां पर रोए थे, ये गोपाष्टमी की बात है जब उनके साधु संतों ऊपर गोली चली थी, तो तब उनको जब ये गौ हत्या को लेकर उन्होंने आंदोलन, बोलने दीजिए गोस्वामी जी को, बोलने दीजिए पांडे जी, आ रही हो सर, एक सेकंड प्लीज। गोस्वामी जी प्लीज अपनी बात पूरी करिए, उसके बाद पांडे जी मैं आ रही हूँ आपके पास। समय आज असल में शिल्पा जी दिक्कत यह है कि अपने अपने लिहाज से राजनीति करने की जो प्रवृत्ति हो गई है, मुद्दे, मैंने पहले से ये कहा कि मुद्दे आधारित जनता के जन सरोकारों की राजनीति बंद हो गई है। ठीक है, अब सत्ता को हासिल करने के लिए नाना प्रकार के आप, मतलब किसी को प्रलोभन दे रहे हैं, किसी को साइकिल दे रहे हैं, किसी को लैपटॉप दे रहे हैं, किसी का ऋण माफ कर रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं, ये ढंग की जो राजनीति शुरू हो गई है उससे जो जनता के जनमानस से जुड़े जो मुख्य मुद्दे हैं वो नेपथ्य में आ गए हैं, और सत्ता को हासिल करने के लिए और देश की जनता को, प्रदेश की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए उनको प्रलोभन देके अपने तरफ करने की जो राजनीति शुरू हुई है, मैं समझता हूं कि ये एक नकारात्मक राजनीति की तरफ ये देश और प्रदेश जा रहा है। डॉक्टर सुनील कौशिक, आपकी राय इस पर, यानी कि जनता का भला होगा इससे या फिर बंटाधार होने वाला है, जिस तरह से कह रहे हैं कि प्रलोभन की राजनीति एक तरीके से शुरू हो गई है और ये सारे मुद्दे ठीक चुनाव से पहले ही याद आते हैं? नहीं, देखो गोस्वामी जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो जन जन के मुद्दे हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, वो कहीं ना कहीं
गायब होते जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी जनता जिम्मेदार है, हम लोग जिम्मेदार हैं। क्योंकि जब हम राजनीतिक दलों के झांसे में आ जाते हैं या झूठ बोल करके कोई वायदा करता है तो हम उनकी बात पे बार बार विश्वास कर लेते हैं। और इसका उदाहरण यूपी है कि 2007 में जिसकी सरकार आई भरोसा किया, भरोसा टूट गया। 2012 में जिसकी सरकार आई भरोसा किया, भरोसा टूट गया। 2017 में सरकार आई, अब 2022 में बताएगी कि वास्तव में इस प्रदेश की जनता का भरोसा है कि नहीं। तो वो तो सारे राजनीतिक दलों पर भरोसा कर रही है, वायदा करके आते हैं, बड़े बड़े वायदे रैलियों में मिलते हैं करते हैं। लेकिन मैं जो आज का टॉपिक है, मैं फिर कह रहा हूं इस बात पे कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सरकार ने कुछ नहीं किया, बहुत कुछ किया है, लेकिन इससे भी ज्यादा करने की और आवश्यकता थी। जो गौओं के साथ हो रहा है, जहां छोटे छोटे शहरों में मिल रही हैं, जहां फसलों को नष्ट कर रही हैं, इस पर काम होना चाहिए। ये नहीं है केवल कि आपने 1500 रुपए प्रतिमाह गाय का दे दिया, उसकी समीक्षा आपने की कि नहीं की, 515 जो एम्बुलेंस आपने गायों के लिए रखी उसकी समीक्षा हुई कि नहीं हुई, सिलेक्टर हाउस कोई एक भी अनुमति पिछले 5 साल में नहीं दी गई है, ये स्वागत योग्य कदम है। लेकिन पिछले सिलेक्टर हाउस चल रहे हैं उनको भी बंद करने का सरकार ने प्रयास किया तो लोग हाईकोर्ट चले गए। तो ऐसा नहीं है कि सरकार से ऊपर भी न्यायालय है, लेकिन और राजनीतिक दलों को यदि ईमानदारी से इस मुद्दे को लेकर के संजीदे हैं तो सरकार के साथ आना चाहिए, सरकार को विपक्ष के साथ बैठकर रणनीति बनानी चाहिए कि वास्तव में गऊ हमारी माता है, इसको लेकर के और अधिक से अधिक हम क्या कर सकते हैं। और केवल आप इसको चुनावी मुद्दा बना देंगे तो मुझे लगता है कि ये लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के बराबर होगा। डॉक्टर विजय राठी जी, जाते जाते आपका फाइनल कमेंट, गाय माता पर ये चुनावी तमाशा खत्म होगा या नहीं? देखिए शिल्पा जी, हमारे भारत देश में ऐसा है, तीन चीजें ऐसी हैं जो जिसमें बहुत गहरी आस्था, एक भगवान राम, उसके बाद गंगा और उसके बाद गाय, इन पे बहुत ज्यादा लोग बोलना नहीं चाहते। और भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा गड़बड़ इसी में करती है। राम मंदिर में आपने देखा भी, जो अधिकारी जांच कर रहे हैं उन्हीं के रिश्तेदारों का जमीन बेच दी, उसके बाद गंगा पे सफाई के नाम पे न जाने कितने अधिकारियों के वारे न्यारे हो गए, और वो अरबपति और करोड़पति। और तीसरा गाय, नॉर्थ के जो स्टेट हिंदी भाषी उसमें तो ये माता है, पूर्वोत्तर तक जाते जाते अपनी माता को ये कटवाना शुरू कर देते हैं और वहाँ ये बीफ बंटवाने का करते। इनसे पूछे किरण रिजिजू जी कब स्वीकार करेंगे कि मैं बीफ नहीं खाऊंगा, या उनको निकाल करके बाहर कीजिए, वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में। ये आपका चेहरा है, आपके विधायक का मैंने भी बताया कि वो पार्टनर था, कंपनी का नाम बताया। पांडे जी आ रहे हैं सर, आगे के पास आ रहे हैं सर, सरकार में आप है, एक इतने फैक्ट्स आप ही को देना होगा सर, एक बार को बोलने दीजिए। शिल्पा जी, मैंने कितने फैक्ट्स रखे, एक भी फैक्ट पे मुझे जवाब मिला? मुझे कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये जो पार्टी है, ये सिर्फ झूठ का बखान करती है। शिल्पा जी ठीक है, जुमलेबाजों की पार्टी है ये कहना है समाजवादी पार्टी का। डॉक्टर सुनील कौशिक, आप क्या कहेंगे सर? नहीं, क्या ये, होने ये वाला तो सब है? जिस तरह से ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे इस तरह के मुद्दे धरातल पर आते हैं। नहीं नहीं, ये तो सब राजनीतिक बयान हो सकते हैं कि कौन जुमलेबाज है कौन जुमलेबाज नहीं है, ये तो राजनीतिक दल तय करेंगे। लेकिन निश्चित तौर से मैंने अभी कहा कि इस प्रदेश की जनता बड़ा संजीदा जनता है, वो सब समझती है कि आपने उसके लिए काम किया है कि नहीं किया है। यदि निश्चित तौर से काम किया होगा तो सरकार की पुनः वापसी होगी, नहीं किया होगा तो दूसरे दल को समर्थन मिलेगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि गौ माता के लिए जितना काम होना चाहिए था उतना काम नहीं हुआ है। और ये केवल इस देश की जनता और प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से ही उम्मीद कर सकती है कि यदि आपको सत्ता में लेकर के आई है तो जिन मुद्दों को आपने अपना राजनीतिक मुद्दा बनाया उस पर कम से कम काम करना आपका फर्ज बनता है। यदि आप भी ऐसे ही वापस चले जाएंगे तो मुझे लगता है जनता अपने आप को ठगा महसूस करेगी। प्रमोद गोस्वामी जी, आपका फाइनल कमेंट जल्दी से सर। देखिए शिल्पा जी, बेसिक बात ये है, मुख्य ये चाहे वो गाय का मुद्दा हो या अन्य कोई भी मुद्दे हो, ठीक है, विपक्ष की भी अब ये भूमिका होनी चाहिए। मान लीजिए प्रधानमंत्री जी ने आज गाय को लेकर, गौ माता को लेकर, या वहां पर दुग्ध उत्पादकों को लेकर जो योजना की है उसकी आलोचना करें, इसमें या उसको राजनीतिक मुद्दा न बनाए। लेकिन स्थिति ये है कि विपक्ष भी चुनाव सुझाव नहीं देती है कि सरकार को इसमें ये अच्छा प्रयास है, इसमें ये और चीजें जोड़ देनी चाहिए। लेकिन वो उसको उनके अच्छे प्रयासों पर भी पानी फेरने का विपक्ष काम करती है। तो ये विपक्ष को भी अपने आईने में देखना होगा कि वो सही चीजों को, सही जो स्टेप्स हैं या जो सही चीजें लाई गई हैं, कम से कम गाय के मुद्दे पर तो जो सकारात्मक राजनीति करे अगर करें। पांडे जी जाते जाते क्या आश्वासन देना चाहेंगे सर आप?
जी देखिए, मैं पुनः एक बार वही बात कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी गाय को लेके पूर्णतः संजीदा है और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में गायों के स्वास्थ्य के लिए, भोजन के लिए, हर तरह की व्यवस्थाओं की पूरी चिंता की है और आगे भी करती रहेगी जितना हो सकता है गाय के लिए, क्योंकि गाय हमारे राजनीति का नहीं, हमारी आस्था का विषय है, ठीक है, हमारे धर्म के अस्मिता का विषय है। इसलिए गाय के संवर्धन संरक्षण और उसके बेहतरी के लिए जितने प्रयास हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी करेगी और आने वाले समय में जी के आपके इन दावों पर जनता किस हद तक विश्वास कर पाती है, आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। तो गायों की स्थिति को लेकर, उनके संरक्षण को लेकर तमाम दल अपने अपने दावे तो करते नजर आते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन गायों की स्थिति असल में कब सुधरेगी ये आने वाला वक्त बताएगा। सुधरेगी भी है कि नहीं, कोई वाकई में सीरियस होकर धरातल पर उतरते हुए गायों को लेकर, उनके संरक्षण को लेकर इस मुद्दे पर काम करेगा भी नहीं, यह भी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जनता सबको देख रही है और सब कुछ देख रही है, फाइनल फैसला जनता के हाथ में होगा और वो चुनावी नतीजों में साफ हो जाएगा। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ, नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon, never miss any update. Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.